हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर, दैट इज का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, आज उसी का ही जो एक्सरसाइज पोर्शन है वो हम लोग खत्म करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स। उसका पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश May 22। ओके, May 22 जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया जाता है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन इज नोन एज स्पीसीज। ओके, डैश स्पीसीज। ओके, एंडेमिक स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज को पाए जाते हैं उसको कहते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज। ओके, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इम्पॉर्टेंट रिजर्व फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। ये हम लोग जानते हैं कि उसमें रॉयल बंगाल टाइगर हम लोगों को मिलता है, वो एक टाइगर रिजर्व प्रोसेस है। गरीमाथा टर्टल सेंचुरी इज इन उड़ीसा इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द जायंट ऑलिव रेडल टर्टल विच माइग्रेट हियर फ्रॉम द स्पेसिफिक ओशन से वो माइग्रेट होकर यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, देखो राइनोसोरस, तो हम लोग को ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैच करवाना होगा। तो इसमें क्या होगा, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें राइनोसोरस जो वन हॉर्न राइनोस जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्या है, जायंट पांडा, उसमें क्या होगा, एंडेंजर्ड, क्योंकि जायंट पांडा जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है। फ्लेमिंगोस, ओके, फ्लेमिंगोस क्या है, माइग्रेशन, ये माइग्रेट करता है, फ्लेमिंगो जो बर्ड है। चीता, ओके, चीता इज अ वर्नलेबल स्पीसीज। पैसेंजर पिजियन क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज द कंजर्वेशन। इसको कहा जाता है कंजर्वेशन। द चीता इज अ वर्नलेबल स्पीसीज बिकॉज इट विल बी एंडेंजर्ड सून। ये अभी है, चीता जो है वो अभी है, पर कुछ दिन बाद अगर हम लोग इसे ठीक तरह से कंजर्व नहीं कर सकते हैं तो तो ये एंडेंजर्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू फ्लोरा। ओके, जो स्पेशल किस्म का जो प्लांट्स होते हैं जो एक ही इलाका में हम लोगों को मिलता है उसे क्या कहते हैं कि फ्लोरा। ओके, और फना किसे कहते हैं, जो मतलब लिविंग जो एनिमल्स होते हैं जो वो एक जगह में मिलते हैं उसे फना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन एन एरिया। ओके, डिक्रीज्ड सॉइल इरोशन, डिफॉरेस्टेशन से सब कुछ होता है, इंक्रीज्ड रेनफॉल इंक्रीज होता है, इंक्रीज्ड टेम्परेचर, ओके, डिक्रीज्ड रेनफॉल, ओके, सब कुछ होता है, पर ये नहीं होता है, ठीक है, डिक्रीज्ड सॉइल इरोशन, क्योंकि ये जो डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोशन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रीजन इन व्हिच कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट्स प्रैक्टिस्ड इज नोन एज द नेशनल पार्क। इसमें नेशनल पार्क क्या होता है, एक हम लोगों का बनाया हुआ एक पार्क है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, हाउ हैव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू ए लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। ओके, अर्बनाइजेशन रिक्वायर्स मोर लैंड स्पेस फॉर व्हिच लैंड आर क्लियर्ड बाय कटिंग ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू मोर इंडस्ट्रीज यूजिंग मच मोर रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हेंस मोर ट्रीज आर कट डाउन। ओके, इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोगों को लैंड्स चाहिए, तो लैंड्स को हम लोग कैसे लैंड्स हम लोगों को कैसे मिलेगा, जो ट्रीज है वो कट डाउन करके उसमें उसको सफा करके हम लोगों को मिलता है, तो दैट्स वाइज ये जो डिफॉरेस्टेशन है हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करके ही हम लोग इसे बना रहे, ठीक है। ये न्यू स्पीसीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉरेस्ट, हाउ इट इज लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीसीज ऑफ एरिया। ओके, द न्यू स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉरेस्ट विल कंप्लीट फॉर फूड एंड शेल्टर विद द लोकल स्पीसीज, दिस मे लीड टू द डिस्प्लेसमेंट और एक्सटिंक्शन ऑफ आइदर लोकल स्पीसीज और द न्यू स्पीसीज। ओके, न्यू स्पीसीज एक्स, ये जो एक्स हम लोग फॉरेस्ट में मिला वो क्या हो सकते हैं, फूड के लिए दूसरे स्पीसीज जो है उसको खा सकते हैं, तो ये इसके लिए दूसरा स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, या दूसरा स्पीसीज जो है वो कोई दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है।
व्हाट इज ए बायोस्फीयर रिवर्स नेम टू बायोस्फीयर रिवर्स इन इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व आर एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेशन बाय गिवन बाय द यूनेस्को क्रिएटेड टू प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द बायोस्फीयर ओके मैन एंड बायोस्फीयर के बीच में जो बैलेंस रिलेशनशिप है उसको प्रमोट करने के लिए यूनेस्को का बनाया हुआ एक इंटरनेशनल कन्वर्शन ओके द टू बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ डज द रेड डेटा बुक हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी रेड डेटा बुक मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स विच आर एट रिस्क of extinction okay thus we can confirm which species is endangered and can arrange some special condition to preserve that species okay next kya hai why do some birds and animals migrate birds and animals migrate in search of better climate condition proper food and ideal place for breeding okay जो मान लो कि जो जो birds हैं जो क्यों migrate करते हैं क्योंकि वो सॉरी वो जहाँ पे रह रहे हैं तब उस जगह का कंडीशन अगर उस जगह का क्लाइमेट अच्छा नहीं रहा मतलब बहुत गर्मी है या बहुत ठंडा है तो उस क्लाइमेट को पाने के लिए सूटेबल क्लाइमेट को पाने के लिए वो माइग्रेट करते हैं फूड या ब्रीडिंग जो है जहाँ पे ब्रीड करते हैं वो जगह सूटेबल अगर नहीं हो तो वो भी माइग्रेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ डू बर्ड्स गेट हेल्प इन नेविगेशन व्हाइल अंडरटेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट ओके In long distance flights, birds navigate with the help of sun, the stars and using the Earth's magnetic field. जब birds जब migrate करते हैं तो वो कैसे समझते हैं कि हम लोग को इस direction में जाना चाहिए या उस direction में जाना चाहिए तो वो क्या use करते हैं sun को use करते हैं stars को use करते हैं या Earth's magnetic field को use करते हैं ठीक है Distinguish between national park and wildlife sanctuary. National park क्या है It is meant for both protection of biodiversity and human reactions. It allows easy access to visitors. Okay. Or wildlife sanctuary kya hai? It is meant only for protection of biodiversity and it does not allow easy access to visitor. National park mein jo visitors hai wo easy hai, uska easy access hai par ya jo wildlife sanctuary hai yahan pe visitors ka easy access allowed nahi hai. Next kya hai? I'll answer the following question. Explain how deforestation can result in droughts and floods. Okay, droughts. Okay, fewer trees means more carbon dioxide in the atmosphere. This leads to global warming, which in turn disturbs water cycle. It may decrease rainfall and droughts occurs. Okay, ये जो है जो fewer trees मतलब deforestation जो है ना उसके वजह से जो trees हम लोगों को कम हो रहा है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा ठीक है इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है उसकी वजह से जो वाटर साइकिल है उसमें डिस्टर्ब आ रहा है इसके लिए वजह से ड्रॉट्स है ठीक है फ्लड क्या है डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ऑफ फ्लडिंग एज देयर इज अ लैक ऑफ ट्रीज दैट बाइंड्स सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर The deposition of soil in river bed decreases the depth of the river and result in flooding. Okay, जो trees के जो roots हैं ना वो soil को bind करके रखते हैं ठीक है अगर वो नहीं रहा तो क्या होगा कि वो soil के erosion हो जाएगा erosion होकर वो नदी में चला जाएगा तो उसका जो depth है river का वो कम होता जाएगा तो river में क्या होगा जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा तो इसकी वजह से flood हो रहा है Extinction of tiger can disturb the entire forest ecosystem and result in a large scale of loss of biodiversity justify this statement okay tigers are an important component of ecosystem being at the top of the food pyramid tiger check the population of herbivores is this helps in preventing the green plant from being wiped out okay ye jo tigers hai na ye kya karte hain ye फूड पिरामिड के टॉप में है तो ये क्या होता है ये जो हर्बिवोरस का जो पॉपुलेशन है उसको चेक करते हैं उसकी वजह से क्या है जो ग्रीन प्लांट है ना वो मतलब वो जिंदा रहते हैं वो ठीक रहते हैं ठीक है एब्सेंस ऑफ टाइगर फ्रॉम इकोसिस्टम वुड रिजल्ट इन पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन ऑफ हर्बिवोरस ओके दिस विल हैव डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस ऑन द इकोसिस्टम व्हाई आर एंडेमिक स्पीसीज At a greater risk of being extinct, list the human action
रिलेटेड कॉजेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन. एंडेमिक स्पीसीज आर अडैप्ट टू लिव इन लिमिटेड एरियाज. ओके, एनी डिस्टर्बेंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट कैन प्रूव टू बी डेंजरस फॉर देयर एक्सटिंक्शन. हेंस दे आर एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. Human related actions that are responsible for the extinction of endemic species are, मतलब क्या है, जो endemic species है ना वो एक particular जगह में हम लोगों को मिलता है, तो उस जगह का natural habitat, उसका जो suitable उसका जो habitat है उसको अगर disturb हो जाए तो ये endangered हो जाएगा, वो मतलब extinct हो जाएगा. ठीक है, तो क्या है, farming, deforestation, okay, overgrazing and construction activities, इसकी वजह से हम लोग deforestation कर रहे हैं, पेड़ पौधे मतलब हमारे मर्जी से जितना चाहे हम लोग काट रहे हैं, इसकी वजह से उसका जो नेचुरल घर है वो डिस्टर्ब हो रहा है. मान लो कि हमारा जो घर है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, वो घर अगर नहीं रहा तो हम लोग कहाँ रहेंगे. ठीक है, हम लोग तो जिंदा नहीं रह सकते ना, तो इसकी वजह से वो इस तरह ही वही है. ठीक है, तो जैसे हम अपने बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को भी उसके बारे में भी सोचना पड़ता है. ठीक है, चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कैसे रहेंगे. ठीक है, दैट्स आवर ड्यूटी. इसकी वजह से ये जो है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. द ग्रोइंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन पोजेस अ ग्रेव थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स दैट मोर लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग, फॉर मेकिंग न्यू हाउसेस एंड फॉर मेकिंग रोड्स एंड इंडस्ट्रीज. दिस नेसेसिटीज डिफॉरेस्टेशन. दिस ऑल्सो इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन इंक्रीज लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. Thus, it destroys the biodiversity in the long run. Hence, it can be said that growing human population poses a grave threat to biodiversity. Human population जब increase हो रहा है तो उसकी वजह से उसको रहने के लिए घर चाहिए, तो हम लोग कहाँ से घर लें, लैंड चाहिए हम लोग को, लैंड हम लोग जो पेड़ पौधे हैं उसको काट के लैंड हम लोग acquire कर रहे हैं. इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री अगर इंक्रीज हो जाएगा क्या होगा, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट है उसके उसकी वजह से वाटर पॉपुलेशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, उसकी जो धुआं है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होगा, सब सब जगह में इफेक्ट मतलब आएगा. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मतलब द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन पोजेस अ ग्रेव थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, ये क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट endangered and vulnerable species. Extinct species kya hai, these species do not longer exist on the earth. Okay, ye bahut din tak exist nahi karega. Endangered species, this species faces high risk of extinction in the near future. Ye bahut hi risk matlab face kar raha hai. Vulnerable species, these species faces high risk of extinction in medium term. Okay, ye matlab endangered se thoda kam hai. एक्सटिंक्ट स्पीसीज से एग्जांपल क्या है, डोडो, पैसेंजर पिजियन. ये इंडेंजर स्पीसीज क्या है, जायंट पांडा, स्नो लेपर्ड. ओके, और वल्नरेबल स्पीसीज क्या है, चीता, स्लॉथ बियर. नेक्स्ट क्या है, लिस्ट फाइव वे इन विच यू एज एन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, द फाइव वेज इन विच आई कैन कंट्रीब्यूट टू कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ वेरियस आइटम्स, reusing old items, recycling discarded items by using public transport, by using bicycle wherever possible. ओके, मान लो कि ये मतलब डिफॉरेस्टेशन जो है वो हम लोग को कम करना होगा, हम लोग को जो पॉल्यूशन है वो हम लोग को कम करना होगा, जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल हम लोग को चीज़ें जो है ना वो रिसाइकल करना होगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो है ये एनवायरनमेंट पे बहुत पॉल्यूशन पैदा करता है. एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पैदा करता है, जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है उसको भी मतलब वो खानी पहुँचाता है. ठीक है, वो अगर प्लास्टिक उसमें गले में अटक जाए तो डेथ भी हो सकता है किसी भी एनिमल का या बर्ड का, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है. ठीक है, तो हम ये जो है जो दैट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, आज हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं. आज के लिए इतना ही गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय.